और बड़ी खबर आपको बता दें, तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं मनीष सिसोदिया। 17 महीने बाद जेल से बाहर आए हैं आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया। तो तिहाड़ जेल से उन्हें जमानत मिली है और तिहाड़ जेल से अब 17 महीने बाद मनीष सिसोदिया बाहर आ रहे हैं। इसे लेकर आम आदमी पार्टी में एक उत्साह है और ये कहा जा रहा है कि सीधे तिहाड़ जेल से निकलकर अपने घर जाएंगे। लेकिन कल सुबह मनीष सिसोदिया का एक लंबा कार्यक्रम है, ये भी कहा जा रहा है। मनीष सिसोदिया जिन्हें आज जमानत मिली और 17 महीने बाद, कई बार जमानत की अर्जी लगाई गई कोर्ट में लेकिन हर बार उनकी जमानत अर्जी रिजेक्ट हुई। इस बार उन्हें आखिरकार जमानत मिली है और अब वो जेल से बाहर आए हैं, तिहाड़ से बाहर आए हैं मनीष सिसोदिया। आपको बताएं कि मनीष सिसोदिया के बाहर आने के साथ ही आम आदमी पार्टी उनका अगला कार्यक्रम भी तय कर चुकी है। कहा जा रहा है कि कल सुबह वो राजघाट जाएंगे और इसके बाद आम आदमी पार्टी के दफ्तर जाएंगे, जहां पर वो वहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, एक भाषण भी दे सकते हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और जो तस्वीरें आएंगी आपको लगातार दिखाएंगे, मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के नंबर 2 कहे जाने वाले नेता, और उनको आखिरकार जमानत मिली है, वो जेल में है लगातार। और उनके जेल में रहने के दौरान लगातार सियासी हमले ये भी हुए कि अरविंद केजरीवाल को तो बीच में जमानत मिल गई चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिल पा रही है। अब उनकी अर्जी पर आज एक बार फिर सुनवाई थी और उन्हें आखिरकार 17 महीने बाद जमानत मिली है। मनीष सिसोदिया 17 महीने बाद जेल से बाहर आए हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मनीष सिसोदिया को जैसे ही बेल मिली आम आदमी पार्टी के अंदर, आपने देखा एक जश्न की तस्वीरें आई, आतिशी सिंह तो भावुक हो गई, उनकी वो तस्वीरें भी आई, उनकी आंखें छलक गई। मनीष सिसोदिया 17 महीने बाद जेल से बाहर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया के देश से भागने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है और इसीलिए उन्हें आज बेल दे दी गई है। आपको बताएं कि ईडी और सीबीआई के जो वकील थे उन्होंने जज से ये निवेदन किया था कि उन्हें अगर जमानत दी जाती है तो एक तरह से उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी, और इसमें ऐसे में 17 महीने बाद मनीष सिसोदिया को आज बाहर जाने दिया गया है, उन्हें जमानत मिली है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उन्हें शराब घोटाले में जमानत पर रिहा किया गया है और शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार पर 17 महीने से जेल में है मनीष सिसोदिया। आज उन्हें जमानत मिली है और इन कुछ शर्तों के तहत मिली है। पहली तस्वीर आ गई है मनीष सिसोदिया की जेल से बाहर आते हुए, जो तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, मनीष सिसोदिया हाथ उठाते हुए, एक मुस्कान उनके चेहरे पर है। 17 महीने बाद वो जेल से बाहर आ रहे हैं। ये आपको बताऊं कि जैसा मैंने कहा कि ईडी और सीबीआई के वकीलों ने एक तरह से एक मौखिक रिक्वेस्ट की थी कि इन्हें जमानत ना दी जाए, लेकिन उसको खारिज किया कोर्ट ने और कोर्ट ने कहा कि किसी तरह से केस को वो प्रभावित नहीं कर सकते हैं, ना वो देश से भागेंगे, ऐसी कोई संभावना नहीं लगती है और इसीलिए उन्हें जमानत दी जाए। आखिरकार 17 महीने बाद उन्हें जमानत मिली है और उन्होंने, कोर्ट ने आज ये भी कहा कि मनीष सिसोदिया को बहुत लंबे समय से जेल में रखा गया है और बिना सजा के किसी को इतने लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता है, तो कोर्ट की ये टिप्पणी भी आई है। अब आप समझिए इसे कि मनीष सिसोदिया बाहर आए हैं, उनका जैसे ही वो बाहर आकर बयान देंगे या किसी तरह का कोई संबोधन देंगे उस पर भी सियासी वार होंगे, ये भी स्वाभाविक है क्योंकि मनीष सिसोदिया और उनकी पार्टी लगातार कहती रही है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को सियासी रंजिश के तहत शिकार बनाया गया, सियासी रंजिश के तहत उन्हें ईडी और सीबीआई के द्वारा इस शराब घोटाले में फंसाया गया है, ये उनकी पार्टी का स्टैंड रहा है और इसीलिए अब मनीष सिसोदिया की ये पहली तस्वीर जो आप इस वक्त देख रहे हैं, 17 महीने बाद उन्हें बेल मिली है, वो बाहर आए हैं और अब उनका जो भी शुरुआती संबोधन होगा, जो वो आकर मीडिया से कहते हैं या फिर वो जाकर अपनी पार्टी में संबोधित करते हैं, उससे बड़ी खबर निकलेगी, ये आप मानकर चलिए।